ये मुहर्रम का मुकद्दस महीना है और हमारी कोशिश ये थी कि एक छोटा सा नियाज नजराना हम पेश करें, हम हर घर तक पहुँचे। इस महीने में किया हुआ नियाज या इस महीने में हम जो भी काम करते हैं उसकी फजीलत कुछ और ही होती है। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचें और ये कारवां जो है आगे बढ़ाएं। अभी हमने मुहर्रम का आगाज़ है और आगे भी हम ये करते रहेंगे। हमारा हुसैन पूजता हर संत है नारा हुसैन टूटे दिलों का है सहारा। बेलम इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से आज़ादार गुजरते हैं, हम उनके लिए ये रखते हैं यहाँ पे पानी वगैरह दूध और इससे शिफा मिलती है। सब एक जो भी आता है नियाज डालता है, कोई हाजत होता है उसको निकलता है, वो दूसरी दफ़ा फिर आता है यहाँ पे नियाज डालने के लिए। ये इमाम हुसैन का शिफा है। हर एक कौम जो भी आता है, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई, सब इसमें शिरकत करते हैं। हम सबील देने आए हैं और मेडिकल एड देने आए हैं। आप जानते हैं कि मुहर्रम का जो मौका है वो शिया सुनी सब के लिए मातम का मौका है। करबला से सब वाकिफ़ है, तो हम आज अपने शिया भाइयों के साथ उनके गम में शरीक होने उनके साथ यहाँ पे मुहर्रम का ये जो प्रोसेशन होना है उसके लिए आए हुए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दायरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस दरअसल हिदायत का दायरा है, मंबए हिदायत है और ये दायरा दरअसल इंसानियत का और इंसानी अकदार का दायरा है। ये दायरा मोहब्बत व उल्फत व रहमत व उखुवत का दायरा है। ये दायरा तमाम आलम इंसानियत को दावत देता है कि देखे किस तरीके से इंसानी अकदार और इंसानियत के लिए करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और अपने असहाब व औलाद व इख्वान की जान दर्राह खुदा फना करते हैं, किस तरीके से करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नफ्स की कुर्बानी देकर करबला को ज़िंदा करते हैं, किस तरीके से वो हिदायत का नूर उमम और कुरून तक पहुंचाते हैं, किस तरीके से वो मज़लूम की सदा और आवाज़ और हिमायत करते हैं। सलाम की अजीम शहादत को याद करते हुए इस मकतब से, इस वर्ष आज़ाद से ये सबक सीखता है कि किस तरह से हक और बातिल के दरमियान फ़र्क की जाए। और आज़ादार जब सड़कों पे निकलता है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम हाथ में लिए हुए, वो यही बात का ऐलान करता है कि मैं हक परस्त हूँ और दुनिया में हर का सामना है। ज़ैनब हिम्मत ना।